कैसे हैं आप सब। तो आज तीज है, तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। और देखिए मेरी मेहंदी रच गई है, बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है और बस रेडी होने जा रही हूँ। अभी यही ग्रीन कलर की कुर्ती डाल दी है मैंने, तो हेयर वॉश किए हैं तो वो भी सेट करने हैं और बाहर जाना है तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना है। और आज मेड भी नहीं आई है, मेड की भी छुट्टी है तो घर के भी काम सारे बाकी हैं। और तीज के लिए आज कुछ खास स्पेशल नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल ही बनेगा आज घर पे खाना। खुश गया है स्कूल और मैं हो रही हूँ अब रेडी फटाफट से। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर आराम से आप सबसे बात करती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ मैं और हम जा रहे हैं अभी बाहर, क्योंकि इनके कपड़े की शॉपिंग करनी है और खुशहाल के शूज़ लेने हैं और एक दो और छोटी मोटी चीज़ें लेनी हैं, तो वो लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट, फिर आके आपसे घर पे आराम से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हैं हम मॉल में और मॉल में इनके कपड़े ले रहे थे हम राजन के, तो वो ट्राई कर रहे थे और मैं देख रही थी कि कैसे हैं कैसे नहीं, कैसे लग रहे हैं। तो मॉल में आके सबसे पहले इनकी शॉपिंग की थी, फिर मुझे खुशू के लिए फुटवेयर भी लेने थे और अभी सेल चल रहा था, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट पर मिल रहा था। तो अगर आप लोगों को भी शॉपिंग करनी है तो ज़रूर अभी कोई भी शॉप पे जाना, अभी सेल का टाइम है तो सेल चल रही होगी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी रीज़नेबल रेट पे। तो मॉल्स में भी यही है, तो आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो मॉल्स में भी जा सकते हो। तो बस यहाँ पे तीज के दिन मैं आ गई हूँ मॉल में शॉपिंग करने के लिए और सच बताऊँ तो बहुत टाइम हम घूमे हैं मॉल में और उसके बाद थक गए थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खुशू को अभी हम स्कूल पे छोड़ के आए थे, मॉर्निंग का ही टाइम है। क्योंकि खुशू होता है ना तो फिर इतने आराम से नहीं ले पाते, उनके उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है ना, बच्चों को अकेला तो छोड़ नहीं सकते, तो उसी वजह से उसके स्कूल के टाइम हम आ गए हैं और बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हम यहाँ पर कॉर्न खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी से गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न थे, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए।
शॉपिंग सारी हो गई है, सारा सामान आज फाइनली आ गया है। और मेरे कपड़े, खुशू के कपड़े, इनके कपड़े, खुशू के फुटवेयर और जो रिटर्न गिफ्ट है वो सब कुछ आ गया है। और पैकिंग करनी है रिटर्न गिफ्ट की, तो वो भी मटेरियल ले आए हैं, कैप्स वगैरह ले आए हैं बर्थडे के लिए। तो सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, तो हमारे तीनों की शॉपिंग मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले तो करते हैं लंच, उसके बाद करूँगी, तो लंच करके मिलती हूँ आप सबसे। नेक्स्ट डे, मैं कल कोई शूट नहीं कर पाई थी, बहुत ही थक गए थे। तो आज मैं आप सबके साथ मेरी जो मैंने शॉपिंग की है खुशहाल के बर्थडे के लिए, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक के बाद एक मैं दिखाती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मेरी शॉपिंग दिखा रही हूँ और उसमें मैंने ये ली है मेरी वन पीस ड्रेस, कुछ इस तरीके से है। पूरी लॉन्ग में है, पूरी मतलब लॉन्ग में गाउन ही है, वन पीस गाउन ही बोल लीजिए। ये है, ये मेरे लिए लिया है, तो मेरे लिए उसी दिन के लिए एक ड्रेस लेनी थी तो वो ही ले ली है। और राजन के लिए दिखा देती हूँ मैं, तो एक तो ये टी शर्ट है, ये हमारी टी शर्ट है। आपको शॉपिंग कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके से है, ये है और एक ये टी शर्ट है, दोनों हाफ स्लीव की है। और एक ये पैंट लिया है जीन्स का, शेड कुछ इस तरीके से है, डिफरेंट शेड लिया है थोड़ा सा। और इनकी ये शॉपिंग की है। अब बारी है खुशहाल की, तो खुशहाल के सबसे पहले मैं आपको फुटवेयर दिखा देती हूँ। तो खुशहाल के फुटवेयर ये लिए हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, तो इसी वजह से ले लिए मैंने। और उसकी ना ये दो पजामीज ली है, नॉर्मल टाइप की जो पजामीज होती है ना वो ली है, एक ये है और एक ये है, प्लेन ही है, नॉर्मल टाइप की ली है। उसको नाइट में भी पहन पाए और घर में भी रेगुलर पहन पाए ना, क्योंकि मॉस्किटोज की वजह से ज़्यादातर मैं उसको पजामीज ही पहनाती हूँ, शॉर्ट्स कम पहनाती हूँ मैं। और उसकी नॉर्मल ड्रेसेस भी ली है, तो एक उसकी ये टी शर्ट है, एक इसकी ये टी शर्ट है, और ये है, तीन टी शर्ट्स है उसकी। और दो उसके जॉगर्स ही बोल लीजिए, ये देखिए कुछ इस टाइप के लिए हैं, प्लास्टिक वाले हैं, क्योंकि तो उसको ना बटन्स वाले कम पसंद आते हैं, तो इसी वजह से ये वाले लिया है मैंने। एक ये कलर लिया है और एक ये है लाइट ब्लू, सेम ही दोनों का जो पैटर्न है वो दोनों की सेम ही है, तो ये दोनों है। और बर्थडे के दिन पहनने के लिए उसका ये जोड़ा लिया है, ये पैंट है उसकी, और ये है, ये बर्थडे के दिन पहनेगा, ये है। तो ये सारे
सारी शॉपिंग कई दिनों से चल रही थी, कभी कोई शॉपिंग चल रही है तो कभी कोई शॉपिंग चल रही है, हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ मतलब हो गया है, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं कई दिन तक जाती रह गई हूँ और मुझे कभी कुछ पसंद आ रहा है, कभी कुछ पसंद आ रहा है, तो इसी वजह से इतना टाइम लग गया है। और बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट्स भी ले लिए हैं, पर वो मैं तो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज होता है ना बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे व्लॉग्स कई सारे बच्चे भी देखते हैं मम्मीज के साथ साथ, तो उनके लिए भी सरप्राइज है। अच्छी सी चीज़ ली है, यूजफुल चीज़ ली है, तो वो उसी दिन पता चलेगी। मैं आपके साथ बर्थडे का व्लॉग नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है, उस वजह से हम सेलिब्रेशन शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं तो आप सबके साथ नहीं कर पाऊंगी शेयर। तो कोई बात नहीं, अगला बर्थडे ज़रूर शेयर करूंगी मैं आप सबके साथ। तो चलिए ये वाला व्लॉग यहीं एंड करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना आपके प्यारे प्यारे सजेशंस। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग से आने वाले हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, अभी ये व्लॉग चला जाएगा, तो कल नहीं, कल की कोई निकलने वाला है और परसों कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है वो तो आपको मैं बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आ रहे हैं, तो उनके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। और खुशहाल के बर्थडे वाले दिन मेरी सारी इन्वोलॉज वाली सारी पूरी फैमिली आएगी, तो हम सारे मिलके बहुत ही धमाल मस्ती करने वाले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स आपके साथ आएंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर 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 करना। तो चलिए कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।